भारतीय सेना हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम लोग उस योगदान को समझते हैं? क्या देश का नागरिक और नेता भी उतने ही समर्पित भाव से सेना के लिए खड़े रहते हैं? जी नहीं दोस्तों, इस देश के नेताओं की सच्चाई यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों से ही देशभक्ति करना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर उन्हें कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक सेनाओं पर आतंकी हमलों की खबर आ रहे हैं, इससे सवाल उठता है कि इस देश की सुरक्षा करने वाले सुरक्षित क्यों नहीं हैं? आखिर ये आतंकी हमले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको याद है वो दिन जब सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था, तब संसद से लेकर बड़े बड़े मंचों पर कैसे मोदी जी देश में आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते थे। हालांकि 370 हटना चाहिए था या नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री मोदी को भी सोचना चाहिए कि चुनाव के समय जिन सेनाओं के नाम पर वोट मांगते हैं, उन सेनाओं की सुरक्षा या जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए भगवान राम को चुनाव प्रचार में लगा दिए थे, तो ये तो देश की सेना है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। सोमवार को जम्मू कश्मीर में सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा की है, साथ ही सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवादी हमलों पर अब खोखले भाषण और झूठे वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल जवानों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी का कहना है, हमारी सेना पर ये कायरपूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय है। एक महीने के अंदर पांचवा आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा, इस दुख की घड़ी में हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आतंकी हमले की निंदा की और आरोप लगाया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक त्रासदी बनी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में हमारे चार बहादुर जवानों की शहादत पर गहरा दुख हुआ, 6 जवान घायल भी हैं। हम सेना पर हुए इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक महीने में पांचवा आतंकी हमला है। दोस्तों, भारतीय सेना हमारे देश के लिए एक मजबूत दीवार की तरह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में सेनाओं पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।